नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव, जहां हार्दिक पटेल कांग्रेस इस्तीफा दे चुके हैं, वहीं लगातार कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और अब उन्होंने प्रियंका गांधी पर भी बड़ा निशाना साधा है और साथ ही प्रियंका गांधी के लिए कहा है कि पार्टी के अंदर ये चर्चाएं हैं कि लोग जब बोर हो जाएंगे तब कांग्रेस को वोट देंगे। मैंने राहुल और प्रियंका गांधी से बात की और गुजरात की परेशानियों के बारे में बताया। उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने कहा, उन्हें बताया, तब भी मैं नजरअंदाज हुआ। मैंने दुख के बजाय हिम्मत के साथ पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया। पटेल का इस्तीफा कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। लगातार प्रियंका गांधी को लेकर निशाना साध रहे हैं हार्दिक पटेल के। किस तरह से मैंने अपनी कई बातें रखने की कोशिश की, ना मुझे कोई कार्य दिया गया, ना मुझे कोई जिम्मेदारी दी गई, बस एक पद पर बैठाकर छोड़ दिया गया। इस बीच पत्रकारों से बातचीत करते हुए पटेल ने पार्टी के काम करने के तरीके और नेताओं पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, 7 से 8 लोग 33 साल से कांग्रेस को चला रहे हैं। मेरे जैसे कार्यकर्ता हर रोज 500 से 600 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। अगर मैं लोगों के बीच जाता हूं और उनके हालात जानने की कोशिश करता हूं, तो यहां बड़े नेता ऐसे कमरों में बैठकर मेरे प्रयासों में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। हार्दिक पटेल का कहना है कि किस तरह से कांग्रेस के नेता जो है उस सड़क पर उतर कर नहीं आते और ना ही लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि जब मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, तो उसमें मेरे साथ बाधा डाला जाता है मेरे काम में और मेरे को सपोर्ट नहीं किया जाता। पटेल ने दावा किया कि गुजरात में कांग्रेस से कई नेता नाराज चल रहे हैं। उन्होंने कहा, गुजरात में केवल हार्दिक ही नहीं है जिससे कांग्रेस नाराजगी है। गुजरात में कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस जिनका इस्तेमाल कर रही है और जल्द ही वो भी कांग्रेस से इस्तीफा ले सकते हैं। ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।